अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। और मज़े की बात यह है कि मैंने चिकन पुलाव फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम सबसे पहले लेंगे प्याज और उनको काट लेंगे ब्राउन, और ब्राउन होने तक आपने प्याजों को अच्छी तरह हिलाते रहना है। आपने लेना अदरक लहसुन और उनको अच्छी तरह कूटना है। आपने उसे अदरक लहसुन में आधा पानी शामिल कर देना है और उसको शामिल कर देना है चिकन में। फिर आपने अदरक लहसुन कैसे कूटा जैसे आपको अपने दुश्मन को देखकर कूटने का दिल चाहता है। फिर लेना है मसाले। इसमें मैंने शामिल किया है नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। आपने इसको इसी तरह मिक्स करके बाद में इसको शामिल कर देना है अपने उस चिकन में, क्योंकि तलियाँ भी बिल्कुल मिर्च मसालों की तरह हैं जो कि खाने को और ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। फिर आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटर। मैंने टमाटर को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, और आपने फिर बाद में चिकन को अच्छी तरह हिलाते रहना है तब तक जब तक ये इसका ये गीला छोड़ दे, यानी कि इसको बहुत अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, क्योंकि भूनने के बाद ये ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी तकलीफ भी हमें अच्छी तरह भूनती हैं और फिर हमें बाद में निखार कर सामने लेकर आती हैं। इस बात का अंदाज़ा आजकल के हालात से लगाया जा सकता है, जहाँ पर सब एक दूसरे को जेलस करने के लिए, अपने सियासतदानों को सपोर्ट करने के लिए स्टेटसों पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं, और इस बात को भी नहीं देख रहे कि उसके पीछे वो अपने रिश्तों को किस तरह ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह आप कोई भी रेसिपी बनाने के लिए उसको थोड़ा टाइम देते हैं, इसी तरह अपने सियासतदानों को आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। और इसके पीछे सबसे पहले अपने हालात, अपने रिश्तेदार, इन सबको ख़राब करने की कोशिश ना करें, अपनी ज़ुबान को साफ रखें। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 4 गिलास पानी। और आपको मेरी तरह वीडियो के लिए शशके मारने के लिए शीशे का गिलास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वो गिलास यूज़ कीजिए जिससे आपने चावलों को बर्तन में डाला था। फिर इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया ताकि इसमें और ज़्यादा जायका आ सके। और फिर मैंने इसको लगा दिया था 15 मिनट के लिए दम, और टाडा, हाजिर है आपके सामने चिकन पुलाव। अब आपको भी अपने फेवरेट सियासतदान के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सियासतदान हक पर होगा तो यकीन जाने अल्लाह पाक उसको पूरी दुनिया के सामने ज़रूर करेगा। इसलिए थोड़ी सी ठंड रखें, ठंडा ठंडा पानी पिए, और दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।